हाय स्टूडेंट, जैसा कि हमारा कंसेप्ट कंबाइंड मीन चल रहा है, आज भी हम कंबाइंड मीन का ही कंसेप्ट करेंगे और आज हम तीन सम करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा कंबाइंड मीन। आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 5 मिला हुआ है, तो देखो उसकी मीनिंग समझे, क्या मिला हुआ है समझते हैं। देखो क्या होता है, द एवरेज वेज ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री ए इज 3000। एक फैक्ट्री ए है, उसमें जो वर्कर है, कितने वर्कर है बता नहीं रहा, उनकी एवरेज वेज बता रहा है, मींस ये x1 बार दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे एंड द एवरेज वेज रेट वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी, फैक्ट्री बी में जो वर्कर है उनकी एवरेज वेज दी हुई है 3500, मतलब ये x2 बार हुआ। फिर आगे क्या बता रहा है, इफ द कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड मतलब मिला के फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी दोनों की मिला के बता रहे हैं जो एवरेज वेज है ऑफ बोथ द फैक्ट्रीज, देखो क्लियर लिखा हुआ है दोनों फैक्ट्री का, इज 3150। मतलब यहाँ पे कंबाइन मीन भी मिला हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर इन टू फैक्ट्रीज, मतलब टू फैक्ट्रीज में जो वर्कर है उनका प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन्स क्या फाइंड करना है, देखो सबसे पहले हमें x1 बार दिया हुआ है, x1 बार है 3000 फैक्ट्री ए में, और x2 मिला हुआ है, x2 बार जो है वो 3500 है, और कंबाइन भी दिया हुआ है, xc बार हमें 3150 दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ वर्कर जो है फैक्ट्री वन में जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे उसको हम n1 लेंगे, और जो फैक्ट्री टू में जो नंबर ऑफ वर्कर होंगे उसको n2 लेंगे। तो उनका आपको प्रोपोर्शन मतलब दोनों का रेशियो ही हमें फाइंड करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखो किस तरह करेंगे, कंबाइंड मीन की हम फॉर्मूला लगे, एक्स सी बार इक्वल टू n1 x1 बार n2 x2 बार एंड डिवाइड में n1 प्लस n2, ये हमारी फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुट करें, एक्स सी बार की जगह पे क्या रखूंगा, 3150, और n1 सेम रखूंगा, और x1 बार आपका है 3000, ठीक है। फिर n2 सेम रखूंगा, x2 बार है आपका 3500, और डिवाइड में ये सेम रखूंगा n1 प्लस n2, क्योंकि वो दोनों हमें नहीं मिले हुए। अभी n1 प्लस n2 डिवाइड में इक्वल टू के सारे क्या होगा, मल्टीप्लाई में, मीन 3150 ब्रैकेट में हो जाएगा n1 प्लस n2, ये डिवाइड में इधर इक्वल टू में मल्टीप्लाई है, और इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचा 3000 n1, और इसको 3500 n2, ओके। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या होगा, 3150 n1 प्लस 3150 n2, सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, 3150 को n1 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस 3150 को n2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू मी ऐसे 3000 n1 प्लस 3500 n2, ये सेम रखा। अभी देखो ये जो 3150 है, 3150 n1, ये सेम रख रहा हूं n1, ठीक है, सेम रख रहा हूं। अभी यहां पे n1 क्या है, 3000 है, n1 को इक्वल टू कैसा लिखा हुआ, तो माइनस में हो जाएगा 3000 n1, और ये सेम रख रहा हूं 3500 n2, ये सेम रख रहा हूं, ओके। और ये प्लस में 3150 n2, इक्वल टू को ऐसा लेके जाऊंगा तो माइनस में 3150 n2, इस तरह, ओके। क्या किया, रिपीट कर रहा हूं, ये सेम रखा, इसको ऐसा लेके गया माइनस में, ये सेम रखा, इसको इक्वल टू को ऐसा लेके गया माइनस में। अभी माइनस करेंगे, 3150 n1 में से 3000 n1 गए, इसमें से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 150 n1, ओके, इक्वल्स टू में, अब इसमें से ये माइनस करूंगा, 3500 में से 3150 गए, तो 350 n2, इस तरह, ओके। अभी क्या करूंगा, देखो ये n1 सेम, n2 को ऐसा लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू में 350 सेम, 150 उससे आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, ओके, इस तरह, तो डिवाइड में रहेगा। अभी क्या करना है, टेबल लगा ले, देखो ये 0 0 कट हो जाएगा, 5 का डबल लग रहा है, 5 3 जा, 5 7 जा, अभी डबल नहीं लग रहा है, यही आपका आंसर हो गया, n1 upon n2, मतलब इसको हम रेशो में लिख सकते हैं, n1 ratio n2 इक्वल टू में 7 ratio 3, ये आपका आंसर हुआ 7 ratio 3। आज मन में इस तरह करना है, वही क्वेश्चन में बोल रहा था प्रपोर्शन बताओ, जो नंबर ऑफ वर्कर है उसका प्रपोर्शन बताओ, मतलब रेशो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया, अभी और भी सम करना है, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो को पॉज करके लिखता हूँ, फिर करते हैं, ठीक है।
अभी आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मिला हुआ है, तो मीनिंग समझे क्या मिला हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, दी मीन एक्स वन बार ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप ए की मीन है एक्स वन बार इज 4 times, वो 4 times है, किसकी 4 times है, द मीन एक्स टू की 4 times है ऑफ ग्रुप बी। मीन्स क्या बता रहा है, मीन एक्स वन जो है वो एक्स टू की 4 times है, मतलब एक्स टू बार, एक्स वन बार इक्वल टू 4 x2 bar, क्लियर बता रहा है। ग्रुप ए की जो मीन है एक्स वन बार इज 4 times, वो 4 times है, द मीन एक्स टू की 4 times है ऑफ ग्रुप बी, ठीक है। मीन्स एक्स वन बार इक्वल टू 4 x2 bar, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स वन बार डिवाइड में 4 आ जाएगा इक्वल टू एक्स टू बार, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स वन बार इक्वल टू 4 x2 bar आगे काम आएगा, सब में आपको पता चल जाएगा मैंने 4 डिवाइड में, तो ये ठीक है पहला स्टेप हुआ। ओके फिर आगे पढ़े क्वेश्चन में क्या बता रहे, दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन वन ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप ए की जो ऑब्जर्वेशन है एन वन है इज 1/7 ऑफ दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन टू, मतलब एन वन जो है एन टू का 1/7 है। मीन्स इस तरह एन वन इक्वल टू एन टू अपॉन 7/7, मतलब 7 से डिवाइड, या आगे 1/7 भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 1/7 एन वन जो है एन टू का 1/7 है, तो आगे आप 1/7 लिखो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन वन इक्वल टू एन टू अपॉन 7, बात एक ही है, 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स 7 n1 इक्वल टू एन टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई में किया तो 7 n1 इक्वल टू एन टू, ठीक है इस तरह किया। फिर आगे क्या बता रहा है, If XC is the combined mean, XC जो है combined mean है और both group, दोनों group की combined mean जो है XC bar है, तो आपको find the ratio, हमें ratio find करना है of XC bar to X1, means हमें क्या find करना है, XC bar ratio X1 बोल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ये हमें find करना है, XC ratio X1 ratio find करना है। ओके तो देखो किस तरह होगा हमारी formula, एक्स सी बार की फॉर्मूला n1 x1 bar n2 x2 bar, कंबाइंड मीन की हमारी फॉर्मूला डिवाइड में n1 + n2, ठीक है कंबाइंड मीन की हमारी फॉर्मूला, एक्स सी सेम रखेंगे मिला नहीं हुआ हमें, n1 की जगह पे क्या रखूं, n1 की जगह मैं n1 ही रख रहा हूं, ठीक है x1 बार की जगह पे क्या रखूं, x1 बार इक्वल टू क्या है 4 x2 bar, है ना, क्या किया ये एक्स सी बार सेम रखा n1 सेम रखा, x1 बार की जगह x1 बार इक्वल टू क्या है 4 x2 bar है, ठीक है फिर प्लस n2 की जगह पे क्या रखूं, n2 इक्वल टू क्या है 7 n1, ओके n2 की जगह मैं रख रहा हूं n2 इक्वल टू 7 n1 है और ये x2 बार सेम रख रहा हूं, एंड डिवाइड में n1 की जगह पे क्या रखूं, n1 सेम ही रहेगा, n2 की जगह पे क्या रखूं, n2 इक्वल टू 7 n1, ठीक है वैल्यू गुड की और कुछ भी नहीं, क्या किया मैंने n1 सेम रखा x1 बार की जगह पे ये रखा, फिर n2 की जगह पे ये रखा n2 इक्वल टू 7 n1, x2 बार सेम रखा n1 सेम रखा n2 की जगह पे 7 n1 रखा इस तरह। अब इसको सॉल्व करें, xc बार इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 n1 x2 bar, x2 है ये 4 n1 x2 bar प्लस 7 n1 x2 bar और डिवाइड में 1 n1 and 7 मतलब 8 n1 हुआ, दोनों का प्लस किया आगे कुछ भी नहीं था, 1 ले सकते हो 1 और 7 8 n1 हुआ, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करें, एक्स सी बार इक्वल टू ऊपर से n1 कॉमन निकल रहा है, अच्छा कॉमन भी नहीं निकालो टोटल कर सकते हो 4 n1 x2 and 4 7 n1, तो n1 x2 दोनों सेम ही है लाइक टर्म है तो दोनों का प्लस कर देते हैं 11 n1 x2 bar एंड डिवाइड में 8 n1 लाइक टर्म है ना 4 n1 x2 bar 7 n1 x2 bar तो 4 और 7 11 हो गया 11 और ये एक ही बार रखूंगा n1 x2 bar ठीक है सिंपल। अब क्या होगा n1 कट जाएगा तो एक्स सी बार इक्व टू 11 x2 bar एंड डिवाइड में 8 इस तरह हुआ, पर अभी हमें x2 में इधर लेके आऊंगा तो रेशो में डिवाइड में आ जाएगा x2, पर हमें रेशो किसका चाहिए X1 का चाहिए, आप देखो यहाँ पे हमें X1 चाहिए X2 नहीं चाहिए। अभी क्या करूंगा मैं एक काम कर देते हैं, ये XC बार ये 11/8 सेम रखा हूं, X2 की जगह में क्या रखू
एक्स टू इक्वल टू क्या है, एक्स टू इक्वल टू ये है एक्स वन अपॉन फोर है, तो मैं वो रहता हूं ठीक है, एक्स टू की जगह पे एक्स वन बार डिवाइडेड फोर ये मैंने रख दिया एक्स टू की जगह पे, एक्स टू बार की जगह पे ये रखा एक्स वन बार अपॉन फोर ओके, ये देखो ये सेम रखा इलेवन अपॉन एट भी सेम रखा, एक्स टू की जगह पे रखा एक्स वन बार अपॉन फोर, अभी ये एक्स टू एक्स सी बार सॉरी एक्स सी बार सेम और ये हुआ ऊपर इलेवन एक्स वन बार एंड डिवाइड में मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ थर्टी टू एट फोर जा थर्टी टू, फिर क्या होगा ये एक्स वन बार इधर ले क्या डिवाइड में मीन्स क्या हो जाएगा एक्स सी बार डिवाइड में एक्स वन बार इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी टू, ये आ गया ना एक्स वन बार डिवाइड में लेके आया रेशियो यही निकलना था ना हमें तो ये रेशियो ही आ गया ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स सी बार रेशो एक्स वन बार और इसको लिखोगे इलेवन रेशो थर्टी टू इस तरह, ये आपका आंसर हो गया, ये हमें रेशियो निकालना था ओके। तो इस तरह ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, एक सम और कराना है करते हैं ठीक है। अभी इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, उसकी मीनिंग समझे देखो क्या मिला हुआ है और क्या फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या बता रहा है, दी एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल इज 36। देखो क्या बता रहा है, एवरेज एज ऑफ दोनों का मेल और फीमेल दोनों का बता रहे हैं कितना है 36 ईयर। फिर क्या बता रहा है, दी एवरेज एज ऑफ मेल इज 42। मेल के लिए अलग है, मेल और फीमेल का साथ में बता रहा था ठीक है, तो मतलब ये कंबाइन है, ये 36 कंबाइन है, मेल की एवरेज एज कितनी है एंड दैट ऑफ फीमेल और फीमेल की एवरेज एज जो है वो 30 है, मीन्स हमें कंबाइन मीन दी हुई है मेल और फीमेल की 36 इयर्स है ठीक है, और एक्स वन बार एवरेज ऑफ मेल भी दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ मेल तो वो एक्स वन बार है 42 इयर्स ओके, और उसके बाद फीमेल एक्स टू बार है वो हमें दिया हुआ है 30 इयर्स ठीक है। आगे क्या बता रहे, फाइंड द परसेंटेज, हमें परसेंटेज फाइंड करना है ऑफ मेल एंड फीमेल इन द ग्रुप, ग्रुप में मेल और फीमेल के परसेंटेज बताना है, मतलब कितने परसेंटेज मेल है और कितने परसेंटेज फीमेल है वो निकालना है। तो सिंपल है, आपको एन वन और एन टू मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है नंबर ऑफ मेल कितने वो हमें नहीं मिला हुआ है तो उसका रेशियो फाइंड करेंगे, फिर रेशियो को क्या 100 में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि परसेंटेज 100 पे होता है, तो हमें रेशियो फाइंड करना है पहले ये समझना ठीक है ना, हमें फाइंड क्या करना है एन वन रेशियो एन टू ये हमें फाइंड करना है, भाई नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है नंबर ऑफ मेल कितने वो हमें फाइंड करना है, तो उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा परसेंटेज मिल जाएंगे ओके। तो वो 100 पे खाली कन्वर्ट करते हैं और कुछ भी नहीं, देखो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड करना है तो एक्स सी बार उसकी फॉर्मूला एन वन एक्स वन बार एन टू एक्स टू बार एंड डिवाइड में एन वन प्लस एन टू, ये हमारी फॉर्मूला। एक्स सी की जगह पे क्या रखू 36 मिला हुआ है और एन वन सेम एक्स वन बार की जगह पे क्या रखू हमारा 42 मिला हुआ है और एन टू सेम एक्स टू बार की जगह पे क्या रखू 30 दिया हुआ है एंड डिवाइड में ये सेम रहेगा एन वन प्लस एन टू। अभी क्या होगा ये 36 है ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एन वन प्लस एन टू इक्वल टू ये हो गया 42 एन वन और ये 30 एन टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या किया ये 36 है और एन वन प्लस एन टू डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में किया इक्वल टू में ये सेम रहा 42 एन वन प्लस 30 एन टू, अभी 36 से मल्टीप्लाई करो तो 36 एन वन प्लस 36 एन टू इक्वल टू ये सेम रहेगा 42 एन वन एंड 30 एन टू ओके सेम। अभी क्या करूंगा देखो ये 36 एन वन सेम एन वन सेम रखा अभी 42 एन वन है इसका लेके आऊंगा माइनस में और ये 30 एन टू सेम ये 36 एन टू है उससे इक्वल टू को उससे लेके जाऊंगा माइनस में, क्या किया ये 36 एन वन सेम रखा 42 एन वन प्लस में इससे लेके माइनस में 30 एन टू सेम रखा 36 एन टू उससे लेके माइनस में, अभी 36 में से 42 है तो क्या हुआ माइनस 6 एन वन ओके एंड 30 में से 36 गए तो माइनस 6 एन टू और माइनस माइनस कट जाएगा मीन्स क्या होगा 6 एन वन इक्व टू 6 एन टू माइनस माइनस कट कर दिया, अभी ये एन वन एन टू उधर ले जाऊंगा डिवाइड में इक्व टू में ये 6 एन ये 6 उससे ले जाऊंगा डिवाइड में टेबल लगा दू मीन्स क्या हो गया 1 अपॉन 1 हो गया 6 बन जा 6 बन जा मीन्स क्या हुआ एन वन रेशो एन टू 1 रेशो 1 हुआ, तो कहने का मतलब
परसेंटेज ऑफ मेल और परसेंटेज ऑफ फीमेल दोनों 50% हुए क्योंकि इक्वल रेशियो आया, मतलब इक्वल ही होंगे, परसेंटेज 100 होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ मेल, ठीक है। तो क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ मेल्स 100 × 1/2, जो मेल का रेशियो 1/2, तो क्या हुआ 50%, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ फीमेल, ओके, तो 100 का ही निकालेंगे, 100 × जो फीमेल का रेशियो 1/2 मीन्स 50%। तो क्या निकालो, कभी भी परसेंटेज निकालना होगा तो जो भी रेशियो है उसको 100 को मतलब रेशियो में कन्वर्ट, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो वो परसेंटेज आ जाएंगे। तो परसेंटेज ऑफ मेल्स 50% एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल भी 50%, मतलब 50-50% है उस ग्रुप में, मतलब फीमेल और मेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कंबाइंड मीन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम वेटेड मीन सीखेंगे, ठीक है, वेटेड मीन करेंगे, दूसरा मीन है। तो इस वीडियो में थैंक यू।